रोड के चलते कोई शादी ब्याह भी अपने बच्चे लड़का लड़कियां नहीं कर पाता है, ये कैसे रिश्तेदार आएगा नहीं आएगा। बिहार सरकार का गली नली पक्कीकरण योजना का पोल खोलता बटुरबाड़ी पंचायत के वार्ड नंबर 13 का ये सड़क, इस सड़क को अब जब देखेंगे तो ऐसा एहसास बिल्कुल भी नहीं होगा कि ये सड़क है। देखने से ऐसा महसूस होता है कि ये गोबर खदान है, जहाँ पे गोबर रखा जाता है, कीचड़ रखा जाता है। और इसी रास्ते से इधर जो 150 से 200 घर की आबादी है, उन सभी घर के लोगों को इसी रास्ते से जाना आना पड़ता है। ये मतलब समस्या है बिहार में। आप इसी बात से अंदाज़ा लगाइए कि बिहार के गांवों की क्या स्थिति है, बिहार के गांव के लोग अपने घरों तक पहुंचने के लिए किस सड़क का, किस तरह के सड़कों का इस्तेमाल करता है बरसात और पानी के मौसम में। और इस तरह के सड़कों का ये हाल है पूरे बिहार में कि 6 महीना तक यही स्थिति बनी रहती है। एक चचा इधर इधर चचा, ये आप ही का इलाका है? जी, आप ही का इलाका है। बताइए कैसे गुजरते हैं आप लोग? आप लोग खुद देखिए कितना परेशानी है सबको। एक हम लोगों का मस्जिद यहाँ पर नमाज पढ़ने के लिए मजबूर हो जाता है, मस्जिद खाली रह जाता है। मैं एक सड़क में कोई नहीं सुनता है, न मुखिया सुनता है, न मेंबर सुनता है, न कोई नहीं सुनता हम लोगों का फरियाद। विधायक जी भी नहीं सुनता है। विधायक जी को कई बार कहे थे, वो ठोक लिया, नहीं आया यहाँ पर। कई बार कहे कि आइए, जो रोड बन रहा था बोले कि हम आएंगे, मैं वो भी नहीं आए। जिला पार्षद जी कोई भी नहीं आए, आकाश भी नहीं आए, कोई भी नहीं आए। अच्छा, यहाँ सब जनता परेशान है, सब हमको कह रहा है कि देखिए ये रोड नहीं बन रहा, हम यहाँ वहाँ जाते हैं, कोई हमारा नहीं सुनता है। सबको कहते कहते थक गए। जिला परिषद अध्यक्ष जी ने वो भी नहीं सुना किसी का बात। अच्छा, विधायक जी भी नहीं सुना। अब्दुलरहमान इधर आइए। इसके चक्कर में इफेक्ट कुछ घर भी है, 10-20 घर है, प्लस रोड है। यानी कि अगर कोई पेशेंट, अगर मरीज बीमार हो जाए तो यहाँ से ले जाना बहुत कठिनाई, खटियापुर लेके जाना पड़ेगा। और आने जाने का नमाज़ पढ़ने के लिए तो कोई बात ही नहीं है। ऐसे भी आएगा तो ये पानी में गीला हो जाएगा कपड़ा, तो नमाज़ कहाँ से पढ़ पाएगा। और इसके लिए तो बहुत सारे प्रतिनिधि जितने भी हैं सबको बोला गया है, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया गया। तो इसको जितना जल्दी हो इस पर कार्रवाई होना चाहिए। इसके चलते लोग शादी ब्याह भी नहीं करता है कि इसकी इस रोड के चलते कोई शादी ब्याह भी अपने बच्चे लड़का लड़कियां नहीं कर पाता है, ये कैसे रिश्तेदार आएगा नहीं आएगा। मुखिया को कहे तो मुखिया बोलता है कि हम नहीं करेंगे इसको, हम नहीं करेंगे, हम वो 9 वाट का मुखिया नहीं है, हमको ये 9 वाट का मुखिया है, उस 9 वाट का मुखिया नहीं है, 5 साल में कुछ भी नहीं करेंगे, हम कहाँ जाएंगे हम लोग तब, बोलिए। तो इसीलिए आपको आप बुलाया गया है। चलिए बोले चाचा। हाँ यही बात है, यहाँ पे देखिए क्या चीज है, नेताजी यहाँ कोई नेता नहीं सुनता है। मुखिया को कहे और लोग है, और लोग है, और ये है समिति है, सारे लोगों को कहे कि भाई हम लोग को आने जाने को बहुत तकलीफ होता है, बाल बच्चे इसमें, एक बच्चा इसमें दुखते दुखते बच गया सर, इसमें इसमें बहुत पानी रहता है। एक छोटे से रोड में भी यहाँ का प्रतिनिधि जितना भी है सब वोट का राजनीति इसी रोड से निकाल रहा है, समझे ना, इसीलिए इसका काम नहीं हो रहा है, स्थगित किए हुआ है। यानी कि मैंने आप समझिए कि लोकल राजनीति का भेंट चढ़ चुका है ये सड़क। जगह से जितना भी है इसका इतना हालात खराब है, जितने भी आदमी है यहाँ पर इसका इतना हालात खराब है, वो रोज कमा कर खाने वाले आदमी, इस वजह से भी थोड़ा इनके ऊपर ध्यान कम दिया जा रहा है, क्योंकि ये लोग दबंग आदमी तो है नहीं जो आवाज उठाएगा। हाँ, गरीब आदमी है इसलिए सब इससे फायदा उठा लेता है। ये पानी जो इतना आता है ना, पानी बरसाता है, बिल्कुल पानी जाम हो जाता है यहाँ से वहाँ तो काम, तो इतनी कीचड़ की जाने आने का कोई साधन नहीं, और आदमी बेबस होके जाता है पानी को लांग के, गंदा उंदा सब रहता है इसी में लांग के जाता है। इसको रोड बना दीजिए तो पब्लिक के लिए बढ़िया रहेगा। बहुत परेशानी है, बहुत दिक्कत है। हाँ बोलिए, बहुत परेशानी है, इतना कीचड़ को खान के हम लोग जाते आते हैं, और हम लोग बूढ़ा आदमी गिर जाते हैं एकदम, क्या कितना आदमी गिर गया इसमें, जख्म हो गया। अब हम लोग नेंगड़ा आदमी है, इतना मजबूरी है जाने आने का, ही कहने का जवाब नहीं, क्या बोले। अभी अब रोड बनना चाहिए, बहुत परेशानी है, हम लोग गरीब आदमी है, इतना कर नहीं पाते हैं।